2018 के बाद हम घर में बैठे हैं, तो हमारे कोई उन्होंने फीमेल मल्टीपल में हमारी कोई प्रमोशन नहीं की। धन्यवाद अनिल जी, जरा तुसें अपना कीमती समय निकाली है इत्थे मेरी माता भैन मातृ शक्ति जी है इंदी गलबात सुनने का, मेरी बहन जी जिन्होंने जहाँ पर आने की कृपा की, जो इन मातृ शक्ति की जो मांग है उसे सुनने के लिए आपने हमारे साथ योगदान दिया। ये मातृ शक्ति जितनी भी जहाँ पर आई है इन्होंने तकरीबन 10-15-20 साल से काम कर रही है, ठीक है जी। पूरे 18 साल मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, उनके साथ साथ मेरी पंचायत में भी आशा वर्कर तकरीबन मतलब 10-15 होंगे, लेकिन मैं सुबह से पहले तो हमारी पंचायत में हाजिरी लगानी पड़ती है जब हमारा कोई कैंप लगता है या कभी हमारा डिपार्टमेंट का, तो जहाँ पर इनको आना पड़ेगा, ये जहाँ पर नहीं आई तो बीमार हो गई कोई, तो उसका 150 रुपया या 200 रुपया जितना इन्हें हमारी मातृ शक्ति को मिलता है वो कट हो जाएगा। 2000 रुपया सारा जो इनका वगैरह वगैरह जो काम करती हैं उसी हिसाब से इनको, जैसे कि मजदूर दिहाड़ी लगाता है, दिहाड़ी लगेगी तो पैसा मिलेगा, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, दिहाड़ी भी नहीं है 30 रुपये रोज, लेकिन वो सुबह आकर बाड़ बाई बाड़ घूमना घर घर में, जैसे कोई चौकीदार होता है हमारी पंचायत का, जैसे कि हमारी गिरदौरी होती है जमीन की 6 मंथली के बाद, वैसे ही मतलब चौकीदार की तरह इन्होंने घूमना पड़ता है, वो भी अकेले, किसी घर में डाग होते हैं, कुत्ते होते हैं, काटने का भी खतरा होता है, लेकिन उसका भी रिस्क लेते हुए जे मातृ शक्ति घर घर में जाती हैं और जितना भी काम करती है मैं खुद देखता हूँ। कई बार मैं इनके साथ भी जाता हूँ, जो मेरी पंचायत नगरोटा प्रेता पंचायत है तहसील बसोली अजीत सिंह, मैं नायब सरपंच हूँ नगरोटा प्रेता का, लेकिन जो इनकी डिमांड है, जो ये कार्य करती हैं, ये कार्य मैं देखता आ रहा हूँ। मैं अभी 5वां साल अभी हमारा पंचायतों में व्यतीत हो रहा है, उसी हिसाब से मैं जो देखता हूँ जो वर्क है इनका, जो काम है इनकी, तकरीबन 25,000 रुपया सैलरी चाहिए मंथली, या कम से कम भी, ताकि इनके जो बच्चे हैं अपना छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़कर आती हैं, जहाँ पर इतनी दूर दूर 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर काम करती हैं गाँव-गाँव में घर घर में जाकर, लेकिन कम से कम सैलरी तो 25,000 होनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो इनका पालन पोषण, अपने जो इनके मतलब हस्बैंड हैं उनकी भी बातें सुननी पड़ती हैं, क्या लेकर आती हो आप, क्या लेकर आती हो आप, 2000 रुपया 1500 रुपया कईयों के तो कट जाते हैं, बीमार हो गई कोई तो क्या देंगे जवाब, जी छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ कर आना है, लेकिन कम से कम इनकी 25,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए। इनके साथ साथ जो हमारी माता बहनें मातृशक्ति, जो हमारी जैसे कि हमारे स्कूल हैं, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, उसमें जो हमारी कुक लगी है रोटी बनाने के लिए, जैसा वर्क इनका है वैसा ही उनका है, पहले तो राशन पानी तैयार करना है, बच्चों को खिलाना है, बर्तन साफ करने हैं, पानी लाना है, मतलब इतना काम है कि पूछो मत, मतलब आपके बराबर सा काम है उनका भी, लेकिन हम चाहते हैं जो इनसे बिल्कुल सरासर धोखा हो रहा है, जो इनका हक है इन्हें मिलना चाहिए। मैं एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मतलब जो हमारा जम्मू स्टेट है, जहाँ की हमारी मातृ शक्ति जहाँ पर काम करती है, आंगनबाड़ी वर्कर और मतलब ये आशा वर्कर और मतलब हमारे स्कूल की जो मतलब कुके हैं, ये ज़रूर इन पर गौर किया जाए। हम एडीसी साहब से बात करेंगे, अब देखेंगे क्या हमें रिजल्ट मिलता है, नहीं तो अगला प्रोसेस जो खतरा होगा। ये मातृ शक्ति हमारे जेंट्स जो हैं अभी जैसे कि रोड पर आए हुए हैं, नेक्स्ट आने वाला टाइम जब मातृ शक्ति रोड पे आ गई तो इसके लिए हमारे देश के लिए खतरा हो जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। हमारे जम्मू में क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा नाम अंजू बाला, आशा वर्कर महानपुर, हमारी हड़ताल चल रही है, काम छोड़ो हड़ताल चल रही है। हमें 2005 में लगाया था, 18 साल हो गए हैं, जो पे हमें जो इंसेंटिव हमें 18 साल पहले 2005 में मिलता था सेम ही इंसेंटिव अभी मिल रहा है, हमें ये इंसेंटिव नहीं चाहिए, अभी हमें पे चाहिए। हमारे 8 काम थे 8 के अभी 60 काम कर दिए हैं, जितना भी काम आता सारा आशा वर्कर करे, जिस भी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग वो आशा वर्कर जाए,
2000 में हमारा घर नहीं चलता, हमें दूर दराज से आना पड़ता, हमारे पास किराया भी नहीं होता है सर। उस 2000 से हम क्या क्या करेंगे आप बताओ? ऑनलाइन सर्वे करो, फ़ोन कहाँ से लेंगे सर? 2000 इकट्ठा करेंगे, 2 साल में भी हमारा फ़ोन नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि हमें कमी इंसेंटिव ना देकर हमें एक वेतन स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा 2015 में हमारी ट्रेनिंग कराई गई फीमेल मल्टीपर्पज की, नहीं सर उन्होंने 25% उन्होंने कोटा दिया था, पर क्या फ़ायदा उन्होंने हमारा जितना भी किराया लगा वो हमने ही दिया, हमें ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कोई पैसा। उसके बाद 2018 के बाद हम घर में बैठे हैं तो हमारे कोई उन्होंने फीमेल मल्टीपर्पज में हमारी कोई प्रमोशन नहीं की। बोलते हैं अगर कि आप कौन सी अब सेंटर स्कीम हो, आपके कौन से डिपार्टमेंट में से? सर हमें 25% कोटा दिया गया था ANM के लिए, वो ट्रेनिंग हमने 2 साल की है, पेपर दिए हैं, बोलते थे आपकी सिलेक्शनें हो जाएंगी। सिलेक्शनें क्या, आज तक हम वो फाइलें लेके DC दफ्तर, CMO दफ्तर, डायरेक्टर दफ्तर, हमने कौन सा दरवाज़ा नहीं खड़खड़ाया। हाँ जब पोस्टें निकलेंगी आपको पहला नंबर दिया जाएगा, पोस्टें निकलती हैं लगवा देते हैं लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं आता है। अगर नहीं कर, अगर हमें नौकरियां ही नहीं देनी थी ट्रेनिंग क्यों करवाई? हमारी सरकार से यही डिमांड है, अगर नहीं देनी थी नौकरियां हमें क्यों इतना घुमाया? 2 साल तक हमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया और अपने किराए पे हम कठुआ जाके हमने ट्रेनिंग की, वो पैसा कौन कवर करेगा? दूसरी बात, हमने 18 साल नौकरी करते हो गए इस डिपार्टमेंट के लिए, आज बोलते काम नहीं करना, छोड़ो MA कुड़ियाँ, पढ़ी लिखी कुड़ियाँ यहाँ लग जाएंगी, अगर उनको ही नौकरी देनी है तो फिर हमें क्यों लगाया था? हमारे ऊपर थ्रेट डाल रहे हैं, ये थ्रेट डाल रहे हैं कि बड़ी बड़ी लड़कियाँ MA है, BEd है, वो लड़कियाँ नौकरी करने के लिए तैयार हैं। सर हमने 18 साल दिए, हमने कौन सी ट्रेनिंग नहीं की, कौन सा पेपर हमने क्लियर नहीं किया, कौन सा हमने स्ट्रगल नहीं किया छोड़ने के लिए? तो हमने ये स्ट्रगल किया नहीं है। सभी आशा वर्कर काम कर रही हैं, सभी अपने अपने फील्ड में काम कर रही हैं, कौन सी आशा वर्कर जो हड़ताल में, कौन आशा वर्कर काम करेगी? हम आशा वर्कर बीमार हो जाए तो क्या उसे छुट्टी नहीं मिलती है? क्या उन्होंने छुट्टी नहीं चाहिए? तो वो हमें कंप्लेन क्यों करते हैं कि आप काम क्यों नहीं करते? हाँ आशा वर्कर्स बैठी हैं, बोल रही हैं कि हमारी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स इनकी आगे भी पहुँच गई हैं, हायर अथॉरिटीज़ के पास पहुँच गई हैं। ठीक है, मेरे लेवल पर मैं तो नहीं कुछ भी कर सकती हूँ, इनकी पहुँच गई है। मैं ये कर सकती थी कि इनके साथ बैठ के मीटिंग कर सकती थी, इनको मना सकती थी काम के लिए। ठीक है, और जो ये ठीक है, मैं PVC कार्ड्स बांटने की बात थी, कहते नहीं बांटने हमने, ठीक है भाई जो नहीं कर सकते हैं, पर जो काम करना है वो तो करना है ना। मैं ये कह रही हूँ कि जब भी इनकी डिमांड पूरी होगी सबके लिए इकट्ठी होगी, खाली हमारे ये थोड़ी होगा कि अगर डिमांड्स, अगर उन्होंने सबके जम्मू में आशा वर्कर्स को बेनिफिट दे दिया तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा। मेरा तो बस यही कहना है कि अपना काम जो कर रही है वो करें।